नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिक्षा एकेडमी की इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश पुलिस की बहुत ही बड़ी खुशखबरी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनने से पहले जो भी यहाँ पर घोषणा की थी मध्य प्रदेश पुलिस से संबंधित, उस घोषणा को यहाँ पर लागू कर दिया है। तो दोस्तों चलिए, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। बने रहिए आप हमारे साथ, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और दोस्तों नए मेहमानों से निवेदन है, यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर दीजिए ताकि जो भी नया अपडेट आएगा वह आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए दोस्तों चलते हैं आज की प्रमुख न्यूज़ पर जो कि मध्य प्रदेश पुलिस से संबंधित है। दोस्तों आप देख सकते हैं यह जो न्यूज़ है यह आज ही के न्यूज़पेपर में आई हुई है। दोस्तों यह इसमें कहा गया है कि आप देख सकते हैं पहले ही मध्य प्रदेश में पुलिस कर्मियों को अब साप्ताहिक अवकाश की सुविधा। दोस्तों कमलनाथ जी ने मुख्यमंत्री से पहले यह घोषणा की थी कि पुलिस कर्मियों को सप्ताह में एक दिन की यहाँ पर अवकाश जरूर मिलेगा, तो वह घोषणा जैसे ही की थी उनका पालन किया पर जो लागू कर दिया। देख लीजिए दोस्तों यह डिटेल से पढ़ लेते हैं। भोपाल मध्य प्रदेश में पुलिस कर्मियों को अब साप्ताहिक अवकाश मिलना शुरू हो गए हैं। 15 साल बाद सत्ता में लौटी कांग्रेस सरकार ने यह नई व्यवस्था शुरू की है और बृहस्पतिवार को 400 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों को साप्ताहिक अवकाश भी मिल गया है। यानी कि दोस्तों बृहस्पतिवार से यह जो घोषणा की थी वह लागू हो गई है और पुलिसकर्मियों को यहाँ पर साप्ताहिक छुट्टी मिलना स्टार्ट हो गई है। तो दोस्तों बहुत ही बड़ी खुशखबरी वाली बात है यहाँ पर पुलिसकर्मियों के लिए, क्योंकि वह दिन रात लगे रहते तो उनको एक भी अवकाश नहीं मिलता था, लेकिन दोस्तों अब अवकाश भी मिलने लगा है। हफ्ता में एक बार हर पुलिसकर्मियों को अवकाश ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस यही जानकारी आप तक पहुंचाने थी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हो सके तो आप अपने चैनल शिक्षा एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।